फिर भी कुछ बोलूं तो मैं अगर लांस आर्मस्ट्रांग की बात निकालूं तो लांस आर्मस्ट्रांग जो है टूडी फ्रांस में उनको 7 बार अवार्ड मिला और अवार्ड छीन लिया गया क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि उन लोगों ने डस लिया था। अरे भैया ये भी तो देख लो कि उनको पहले कैंसर हुआ था, कैंसर में जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं उसमें हाई लेवल का ड्रग्स यूज किया जाता है और वो ड्रग्स जब हम लोग जब दवाइयाँ ले लेते हैं और उसके बाद मैंने दवाइयाँ ले लिया, अब मैंने अपनी मेहनत किया उसके बाद में मैं चला गया अपनी साइकिलिंग करने उसके बाद करने, अब वहाँ आप अगर कोई प्रैक्टिस कर लो क्योंकि 7 बार जीतने के पहले आप प्रैक्टिस नहीं कर मतलब वो टेस्ट नहीं कर सकते थे, 7 बार जीतने के बाद आप लोगों ने टेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हाइट बढ़ाने के लिए वेट कम करने के लिए दवाइयों का यूज़ करते हैं तो अगर मैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अगर कुछ दवाइयों का यूज़ कर लूँ तो उसमें गलत क्या, लोगों के इमोशंस उन लोगों से जुड़े हुए होते हैं। और अगर हम नरसिंह यादव का एग्जाम्पल लें तो नरसिंह यादव जो हैं वो वहाँ पे ओलंपिक में जाने के बाद तब उनको बैन किया गया, क्यों? नाडा ने तो पास करके भेज दी थी, वाडा ने वहाँ पे कर दी थी, तो मैं किसके ऊपर शक करूँ? नेशनल एंटी डोपिंग जो एजेंसी है या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी में किसके ऊपर भरोसा करूंगा? आपने एक टेस्ट में फेल कर दिया, एक टेस्ट में पास कर दिया, वहां जाके वहां पे बोल दी कि नहीं भैया आप नहीं खेल सकते, क्यों नहीं खेल सकते भैया आप वहां हमको बताने वाले? और सबसे बड़ी बात है कि अगर आज मैंने ड्रग्स ले भी लिया, चलो ले लिया, पॉइंट सेकेंड्स की लड़ाइयाँ होती है दोस्तों, पॉइंट सेकेंड्स की लड़ाइयाँ होती है। अगर आप हुसैन बोल्ट को देखें 9.5 आता है तो उसके बाद में दूसरे वाले का 9.6 होता है, मिनी सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स में हम लोग की लड़ाइयाँ होती है। तो अगर मैं थोड़ा सा दस ले लूँ बढ़ाने के लिए तो क्या, और आज किस चीज़ में मिलावट नहीं? हम लोग सब्जी खाते हैं, कुछ खाते हैं, सब में केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स मिले हुए होते हैं। हम लोग का कहना है कि भैया अगर हम लोग ये चीज़ खाएंगे तो हमारे को हमारी बॉडी अच्छी हो जाएगी, हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा, तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि अगर मैं उसमें तो फिर भी मिला हुआ है ना, प्रॉब्लम तो तब भी हो रही है। तो अगर मैं ड्रग्स ले लूँ तो मैं कैसे कह सकता हूँ ठीक है? और आपकी जो एजेंसीज है, आप तो बोल रहे हो ना कि मेरी एजेंसीज है, वो लोग आपको बता रहे हैं, तो नाडा गलत बता रहा है, वाडा सही क्यों बता रहा है, या वाडा गलत बता रहा है, नाडा सही क्यों बता रहा है? तो इनको खुद ही नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ड्रग्स है, आज दुनिया बोलती है कि ड्रग्स बैन कर दो और ये कर दो वो कर दो, आप लोगों ने सिगरेट और अल्कोहल बैन कर दिया ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बिहार में अभी बैन हुआ है, पागल हो गए हैं वहाँ के लोग, ये मेरी मर्जी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ये कह भी देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं मारिया शारापोवा का, लांस आर्मस्ट्रांग का और दुनिया के बहुत सारे खिलाड़ियों का हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन मैं भी कुछ एग्जाम्पल देने जाऊंगा। जैसे अगर हम नरसिंह यादव की बात करें, लांस आर्मस्ट्रांग को ही आप निगेटिव साइड देख रहे हैं, लेकिन मैं लांस आर्मस्ट्रांग का पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ। हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं जिसमें ड्रग्स मिले हुआ होता है, अगर हम वो जब ले लेते हैं और उसके बाद में जब हम चले जाते हैं और आप जब इस टाइप के टेस्ट करते हो और हमको फेल कर देते हो तो सोचो, वैसे तो आपके पास में एक भी मेडल नहीं आता, देश में एक भी मेडल नहीं, 119 लोग गए थे, 2 लोग मेडल लेकर आए। अगर हमने ये कर दूँ और उसके बाद में अगर फेयर इनफ ना, अगर आज मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई ड्रग्स ना ले तो लड़ाई फेयर इनफ है, तो ड्रग्स लेने के बाद भी तो लड़ाई फेयर इनफ हो जाएगी, उसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा? आप लोग बोल रहे हो ना कि फर्क पड़ जाएगा, तो करके तो देखो, एक बार करके देखो, लेवल पे करके देखो, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू।